व्यूअर्स सामने आप देख सकते हैं कोरोला एल्टस एक्स ग्रैंडी को, और इसके अंदर जो है ये फेसलिफ्ट वर्जन आया है एक्स के नाम से। इसके अंदर आप देख सकते हैं बम्पर में इन्होंने चेंजेस लेके आए हैं, हेक्सागोनल बम्पर में सामने पियानो ब्लैक की एडिशन हो चुकी है, और इसके अंदर क्रोम की गार्निश है थ्रू आउट द कार, और इसके अंदर एलईडी फॉग लैंप्स ऐड कर दिए थे। ये पुरानी आप ग्रैंडी देख सकते हैं, इसकी शेप ऐसी थी। अगर आप साइड प्रोफाइल देखें तो साइड प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं है, और अगर ये साइड स्कर्ट्स जो हैं इनको इन्हांस करते हुए ये बम्पर के अंदर भी एक्सटेंडर आपको मिल जाएंगे। पीछे मैट ब्लैक फिनिश में बम्पर यहाँ आपको मिल जाता है, और ओवरऑल एंगुलर कर दिया है बम्पर को, और आपको यहाँ करेक्टर लाइंस मिल जाती हैं। इसके अलावा एक्स का बैज जो है, ये क्रोला एल्टस एक्स का बैज मिल जाता है। CVTi का बैज इधर आता था, लेकिन अब जो ग्रैंडी में सिर्फ एक ही वेरियंट आता है, तो सो एक्स का बैज आपको मिलता है। इंटीरियर देखें तो इसके अंदर जो है ऐसी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आई, लेकिन एक जो मेजर चेंज है वो इसका कलर चेंज कर दिया गया है। जो टॉप ऑफ द लाइन एल्टस ग्रैंडी में आपको एक ऑप्शन मिल जाती है 20,000 एक्स्ट्रा पे करके कि आप ब्लैक इंटीरियर आप ले सकते हैं, बेज की भी ऑप्शन है। तो इसके अलावा इसके अंदर ईसी मिरर आ गया है, इलेक्ट्रोक्रोमेटिक मिरर, और जिसे ऑटो डिमिंग मिरर भी कहते हैं। इसका बटन दबा के एक पुश से आप डिम कर सकते हैं मिरर को। सो इसके अलावा जो है पैसेंजर जो कार सीट बेल्ट वार्निंग है वो भी आपको ऑप्शन मिल जाती है।